नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्त विषाक्तता, ब्लड प्वाइजनिंग का इलाज बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसको जानकारी में रखना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए तो दवा आपके काम आ जाने वाली है। सब होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूँ, तो इसको आपको नोट करके रखना चाहिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। इसमें सबसे पहली दवा कार्बोवेज, चमत्कारी औषधि सेप्टिक दवाओं के लिए खून में जहर फैल जाने पर, खास करके ऑपरेशनों व धक्का लगने के बाद त्वचा गुलाबी व चित्तीदार दिखाई पड़ने लगती है, तो कार्बोवेज दवा दी जाती है। दूसरी दवा है पायरोजिन, यह सेप्टिक बुखार की उत्कृष्ट दवा है। रोगी को बिस्तर कड़ा लगता है, वह जिस ओर लेटता है उधर के हिस्से दुखते व चुटहिल लगते हैं, उसे अत्यधिक बेचैनी होती है तथा उसे लगातार करवट बदलते रहना पड़ता है। जीभ मोटी बड़ी साफ चिकनी जैसे कि लाल रंग की वार्निश कर दी गई हो, नाड़ी असामान्य रूप से तेज, तापमान के अनुपात में कहीं अधिक, भ्रूण रुकने अथवा विकृत प्रसव के बाद होने वाला ज्वर की खास दवा, कमजोरी व आलस्य, बदबूदार पसीना, बुखार जब चढ़ता है तो बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, तो ये दवा दी जाती है। अगली दवा है अमोनियम कार्ब, जानवरों के काटने से खून में जहर फैलने के साथ जाइमेसिस खमीकरण, काला खून निकलना जो कि जमता नहीं है, तो ये दवा दी जाती है। इसके बाद है आर्सेनिक एल्बम, खून की सेफ्टिक स्थिति, छोटे अंतरालों पर पानी की कम मात्रा, पीने की भारी प्यास, भारी कमजोरी, बेचैनी, गुस्सा, स्थानीय व सामान्य जलन, बदबूदार स्त्राव, आर्सेनिक एल्बम में ये लक्षण। इसके बाद है इचनेसिया, चोटों के कारण सेपिस होने पर इस दवा पर विचार करना चाहिए। खून की नसों का फैल जाना जिनका रंग गहरा हो जाता है, शरीर के तापमान में 97 डिग्री से 105 डिग्री तक जाता है, सिर व हाथ पैर के सिरों में धीमा धीमा दर्द, गर्भाशय से फैलने वाला संक्रमण, पेट फूलना, पेट संवेदनशील, सड़ियल बदबूदार स्त्राव, इचनेसिया दवा दी जाने लगी। और इसके बाद है पेप्टिसिया, बदबूदार स्त्राव, सारे शरीर में गर्मी, मांसपेशियों का दुखना, बेचैनी, भारी कमजोरी तथा दुर्बलता, ये पेप्टिसिया का लक्षण है। और नेक्स्ट है लेकेसिस, अत्यंत संवेदनशीलता, अंगों का नीला पड़ना तथा सोने के बाद हालत बिगड़ना इस दवा के खास लक्षण है। इस दवा को चोटों व घिरे हुए घावों पर में इस्तेमाल करना चाहिए। पायोमिया, गैंग्रीन तथा कार्बंकल में कम मात्रा तथा बदबूदार स्त्राव, तो लेके से दवा दी जाती है। और इसके बाद है आर्निका, यह चोटों से उत्पन्न होने वाली सेपिस की उत्कृष्ट दवा है। मोटी जरा होने की प्रवृत्ति, ढीला पखाना, दुर्गंध, मानसिक बेचैनी, तो आर्निका माउंट है। और नेक्स्ट है इसमें रस्टॉक्स, यह सर्जरी के मामलों में सर्वोत्तम रोग निरोधी दवा है। इसे 48 घंटे तक 30 डाइल्यूशन में देना चाहिए, हर 3 घंटे पर एक खुराक, यह सेप्टिस का होना रोकेगी, गठिया की तकलीफों के साथ सेप्टिसीमिया के मामलों में उपयुक्त दवा, छूट लगे हिस्सों पर लाली व दुखना, ठंडापन, सूखी जीभ, डायरिया तथा बेचैनी, तो ये रस्टास के लक्षण है। इसके बाद है एंथ्रॉक्सिनम, सेप्टिक सूजन व घाव, पायोमिया, गैंग्रीन युक्त कार्बंकल, तेज सड़न वाला, जलन वाला दर्द, आर्सेनिक के दर्द से अधिक तेज दर्द,
तो ये दवा दी जाएगी। तो दोस्तों यही दवा है ब्लड पॉइजनिंग की, इसको याद रखना चाहिए। अभी कभी आड़े अटके मामला फंस जाने पर इससे किसी की जान बचाई जा सकती है, इसलिए इस दवाओं को जानकारी में रखना चाहिए। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।